सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो ये मेरा मेकअप लुक है वो है पीच फ्लॉलेस मेकअप लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेकअप प्रोडक्ट से मैंने क्रिएट किया है, जैसा कि आप लोगों को आगे की वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ये वाला लुक आप लोग क्रिएट करो खुद से, और वो भी बिल्कुल कम से कम मेकअप प्रोडक्ट से, तो ये वाला वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, ओके। और हाँ, फटाक से जा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर इसी तरह वीडियोज़ आपको देखने हैं, अच्छे लगते हैं, तो साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ओके। तो चलो रेडी हो जाते हैं अभी हम। पहले सबसे पहले हम अपने फेस को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेंगे अपने रोज़ वाटर के साथ में। तो जहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा कॉटन लिया है, बस इसके साथ ही मैंने रोज़ वाटर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। और अब मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ सीरम, फेशियल ऑयल। फेस सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हाइड्रेट करने के लिए फेस की स्किन को। सो अब मैं इसके बाद लगा रही हूँ प्राइमर। ये SQ का प्राइमर है और ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छी कवरेज देता है, तो ये एक बेस्ट प्राइमर हो सकता है अगर आप बजट के अंदर प्राइमर चाहते हैं। सो ये वाला प्राइमर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, कर लिया मैंने। एंड अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेरा कंसीलर, फाउंडेशन और कंटूर, ये 3-in-1 आता है और ये बहुत ही अच्छा है, ये भी बजट के अंदर आ जाता है। आपके NYB का कंसीलर और कंटूर फाउंडेशन है मेरा ये। सो आज मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ अपने ब्रश से, देखती हूँ कैसा लुक आता है। वैसे तो मैं हाथ से ब्लेंडिंग करती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और बहुत ही अच्छी कवरेज फेस पे निकल कर आती है, लेकिन आज मैं ब्रश से ब्लेंडिंग कर रही हूँ और ये भी नाइसली हो ही गया बहुत ही अच्छे से। सो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने, और अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अपने जो भी थोड़ा सा जो डार्क मेरा फेस पे जो जगह है वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इसे और भी ज़्यादा कवर कर रही हूँ, और अपने फेस पे एक अच्छी सी कॉन्टोरिंग कर ली है मैंने इसी के साथ में, और थोड़ा सा अपने लिप्स के आसपास लगा लिया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें हाईलाइट करना होता है, एक अच्छा लुक आता है मेकअप में, तो ये मैंने कर लिया। एंड अब मैं सेट कर रही हूँ अपना मेकअप, वो भी NYB के कॉम्पैक्ट के साथ में। आप किसी भी लूज पाउडर के साथ में अपने मेकअप बेस को सेट कर सकते हैं, मेकअप बेस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अब मैं फिल कर रही हूँ अपना आईब्रो फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का जो आईब्रो पेंसिल होता है वही लिया है। सो आईब्रो फिल कर लिया मैंने, एंड अब मैं अपने आईलाइट पे अप्लाई कर रही हूँ। मेरा ये सिंपल सा चेरी कलर का क्रेयोन है, और बिल्कुल हल्का हल्का लगाऊंगी ताकि इसे ब्लेंड करने के बाद एक अच्छा सा जो पीच वाला कलर होता है ना वो आएगा मेरे आईलाइट पे। सो अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, और हाँ, आप देख सकते हैं मैं सिर्फ और सिर्फ इसे अपने क्रीज़ के अंदर ही ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं ऊपर नहीं जाऊँगी या फिर साइड में नहीं, सिर्फ क्रीज़ के अंदर मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छे से, ताकि एक अच्छा सा नाइस वाला पीच कलर मुझे मिल जाए। सो ये ब्लेंड हो गया मेरे दोनों आईलेट पे, और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे वाइट मेरा जो काजल है, ताकि एक अच्छा सा जो लुक होता है वो निकल कर आए। अब मैं इसे भी ब्लेंड कर लूँगी। सो ये हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे, सॉरी वाटर लाइन नहीं, अपनी लैश लाइन पे मैंने हल्का सा यही वाला कलर ले लिया है, और इसे भी मैं अब ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा एक कलर आता है आपके आईज़ के आसपास ऐसे। अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने आईब्राउ को, ये भी इसी वाइट काजल के साथ में, और थोड़ा थोड़ा अपने जो भी हाईलाइट एरिया है फेस पे, जैसे कि चिकबोन हो गया, नोज़ हो गया, थोड़ा सा चिन एरिया हो गया, और मतलब पूरे के पूरे फेस पे टी जोन एरिया पे मैं हाईलाइट कर लूँगी और चिकबोन पे हाईलाइट कर लूँगी इसी से। एंड अब मैं इसके बाद अपनी चिक्स पे अप्लाई करूँगी एज ए ब्लशर इसी वाले अपने लिप लाइनर को। ये मेरा चेरी कलर का लिप लाइनर है, और अपने पूरे इस पीच फ्लॉलेस मेकअप लुक में मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। सो अपनी चिक्स पे एज ए ब्लश मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। मैंने ब्लश से पहले हाइलाइटर इसलिए यूज़ किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो एक अच्छा सा लुक देने के लिए हमने पहले ही हाइलाइटर लगा लिया है। एंड अब वापस से मैं इसे हाइलाइटर लगाऊंगी ताकि हमारा जो ब्लशर है वो अच्छे से निकल कर आएगा फेस पे। सो ये भी मेरा कम्प्लीट हो गया है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मस्कारा, तो बस मस्करा भी मैंने दोनों तरफ लगा लिया है, दोनों अपने आईज़ पे लगा लिया है, और आज मैं आईलाइनर यूज़ नहीं करूँगी, सिर्फ मस्करा यूज़ करूँगी, और मेरे पास फॉल्स आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं है, तो जो भी मेरा आईलैशेस है मैं उसी से करूँगी। और यहाँ पे एक मरून कलर का लिप लाइनर लिया है मैंने, और अच्छे से इसे लिप लाइन करके, और फिर मैं यहाँ पे एक न्यूड कलर की NYB की लिपस्टिक ले रही हूँ, और उसके साथ ये वाला लुक जो है वो हो जाएगा मेरा कम्प्लीट।
से, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं सच्ची बताऊँ, मेरे लिप की जो एक लाइनिंग होती है ना, बहुत से लोगों की बहुत प्यारी सी होती है, बट मेरी नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करना होता है। सो लिपस्टिक भी लगा लिया मैंने यहाँ पे, एंड बस फाइनली लुक कंप्लीट हो गया है मेरा। कैसा लग रहा है ये बहुत ही कम प्रोडक्ट में एक अच्छा सा पीच फ्लॉलेस मेकअप लुक, हाँ बताइए। तो अगर अच्छा लगा होगा फटाक से मुझे कमेंट में बताइएगा, भूलिएगा मत। वैसे आप लोग वीडियोस देख तो लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते, तो वीडियो को फटाक से लाइक कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास ढेरों सारे मेकअप प्रोडक्ट हो तभी हम एक अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ी सी सूझबूझ होनी चाहिए और बस क्रिएट करने का कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ आइडियाज़ होने चाहिए आपके पास, तो आप कैसा भी मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के ही मेरे मेकअप लुक को देख लीजिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक पीच कलर के, पीच नहीं चेरी कलर के लिप लाइनर से मैंने अपना ये पूरा लुक क्रिएट किया है। और लिपस्टिक मैंने यहाँ पे न्यूड रखी है क्योंकि इस मेकअप के साथ में न्यूड लिपस्टिक थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। वैसे सिंपल सा लुक है ये, बहुत ज़्यादा हाई लाइटेड वाला लुक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लुक है, बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहे तो इसे ऑफिस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो कहीं छोटी छोटी जगहों पर जब हम घूमने जाते हैं तो एक प्यारा सा लुक चाहिए होता है, तो उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश और ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ में एक न्यू क्रिएशन के साथ में, एक और कुछ अच्छी सी क्रिएटिविटी मैं करके दिखाती हूँ जो कि आप लोगों को शायद पसंद आए। तो पसंद आएगा तो सपोर्ट कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।